प्राचीन भारत की समृद्धता और मंदिरों की भव्यता अनूठी थी। समय समय सामने आने वाले इनके पुरावशेष इसकी गवाही देते रहे हैं। अब एटा में मिले पुरावशेषों से प्राचीन इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय खुल गया है। प्राचीन अवशेषों को देखकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी हैरान है। माना जा रहा है कि 5वीं सदी में एटा में भव्य मंदिर हुआ करता था। आइए आपको बताते हैं कि कहां मिले हैं ये अवशेष और क्या है 5वीं सदी के मंदिर की कहानी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावशेषों की खोज एटा के गांव बिलसड़ में की है। बिलसड़ एटा और फर्रुखाबाद जिलों की सीमा पर बना छोटा सा गांव है। एटा मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर है। ब्रिटिश शासनकाल में यहां पुरावशेष मिले थे जिनको गुप्तकालीन बताया जाता है। इन अवशेषों के मिलने के बाद 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित घोषित किया था। इतिहासकारों के मुताबिक गुप्त राजवंश प्राचीन भारत का स्वर्ण कहा जाता था। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को दोबारा स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही दिया जाता है। इस वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने साम्राज्य की गद्दी संभाली। अब माना जा रहा है कि सम्राट कुमारगुप्त ने ही एटा के बिलसड़ में भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की टीम ने गुप्तकालीन अवशेषों को खोजा है। एएसआई ने पिछले दिनों बिलसड़ में बने स्तंभों की गहराई नापने के लिए वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन शुरू किया था। यहाँ थोड़ा उत्खनन करने पर ही प्राचीन निर्माण के अवशेष मिलना शुरू हो गए। खुदाई में 4 सीढ़ियां और फर्श निकल आया। ये पत्थर का बना हुआ है। इनमें से एक सीढ़ी पर शंख लिपि में महेंद्रादित्य अंकित है। महेंद्रादित्य गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त की उपाधि है। बिलसड़ में मिला पुरावशेष आगरा सर्किल में मिला शंख लिपि का पहला पुरावशेष है। इससे पहले लखनऊ सर्किल के लखीमपुर खीरी में शंख लिपि का पुरावशेष मिला था। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये पुरावशेष गुप्तकालीन 5वीं सदी के मंदिर के हैं। पुरातत्वविदों के मुताबिक बिलसड़ में गुप्तकालीन इतिहास दबा हुआ है। साइंटिफिक क्लियरेंस में टीले के आसपास और भी अवशेष मिल सकते हैं। एएसआई अब व्यापक उत्खनन की योजना तैयार कर रही है।